फ्रेंड्स, मैं हूं मोनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आजकल मैं नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती हूं DIY के लिए। तो आजकल मुझे बहुत मन कर रहा है कि मैं पेंटिंग बनाऊं, बट आप लोगों को पता है कि मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल देख रही हूँ आजकल ताकि मैं उससे लर्न कर सकूँ। तो उनमें से मैंने कुछ ट्यूटोरियल देखा और ये मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ पेंटिंग। तो उसके लिए ले लिया है मैंने ये कार्डबोर्ड। एक्चुअली मैं कैनवस भी लेकर आई हूँ, बट मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहती क्योंकि पेंटिंग इतनी अच्छी है नहीं। तो पहले मैं कुछ पेंटिंग्स लाइक इस तरीके के कार्डबोर्ड को कैनवस बना के इन पे करके पहले ट्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कैनवस ट्राई करूँगी। तो उसको अभी मैंने बचा के रखा है। तो उसके लिए ले लिया है मैंने ये कार्डबोर्ड और उसको मास्किंग टेप से उसके एजेस को मैंने कवर कर दिया है। एंड उसके बाद ले लिया है मैंने ये टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर को इसके ऊपर स्टिक कर देंगे ग्लू से। तो क्योंकि मेरे पास ये काफ़ी थिक वाला टिश्यू पेपर था, तो मैंने जब मैं पेस्ट करती हूँ ना तो उसका अंदर का लेयर पेस्ट हो जाता है और ऊपर वाला ये हवा में रह जाता है। तो उसको मैंने हटा दिया था एंड दोबारा से उसको पेस्ट किया, तो दो लेयर हो गए उसके ऊपर। एंड उसके बाद ले रही हूँ मैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोप, कुछ कॉटन रोप है, जूट रोप है, और इन सब से आज मैं पेंटिंग बनाने वाली हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि जूट रोप और रोप को यूज़ करके कैसी पेंटिंग बनने वाली है। तो अभी आगे आके देखिए ये कैसे मैंने किया है। तो इस तरीके से हाथ पे मैंने रोल कर लिया है, इक्वल साइज़ के मैंने 4-5 टुकड़े कट कर लिए हैं रोप के। एंड ग्लू की हेल्प से इस तरीके से रोल बना के और पेस्ट कर दिया है। प्लेसमेंट आपके ऊपर है, आप जैसे भी रखना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं इसमें अंडर वाटर जो चीज़ें होती हैं ना, वो डार्क ग्रीन सा कलर, कुछ शेल और पत्थर के ऊपर वो जम गया होता है पानी के ऊपर, तो उस तरीके की चीज़ें मैं बनाने के लिए ट्राई कर रही हूँ। देखते हैं एक्रेलिक कलर से ये बन पाता है या नहीं। आप लोग कॉमेंट करके बताना कि ये बन पाया है उस हद तक या नहीं, क्योंकि मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी नहीं है, मैं बता चुकी हूँ। तो ये मैं ट्राई कर रही हूँ। एंड इस तरीके से मैंने रोप को ग्लू की हेल्प से इसके ऊपर स्टिक कर दिया है। लेकिन ये प्रोसेस जब हमारा अंदर का जो हमने टिश्यू पेस्ट किया वो ड्राई हो जाए एंड उसके बाद हमें ये करना है। एंड उसके बाद मैंने ये कार्डबोर्ड से शीट फाड़ ली है। तो जब ऊपर की लेयर इस तरीके से हटाते हैं ना, तो अंदर ये डिज़ाइन टाइप का जो ये बना हुआ होता है वो आ जाता है। तो उसे फाड़ के मैं इसके ऊपर स्टिक कर रही हूँ। मेरी आवाज़ भी अभी बहुत ख़राब हो रखी है क्योंकि कोल्ड कफ हो रखा है 1 वीक से। एंड उसके बाद मैं ले रही हूँ ये टेक्सचर पेस्ट, उसको थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर मैंने लगाया है थोड़ा सा, क्योंकि पैलेट नाइफ है नहीं तो मैं इसे आइसक्रीम स्टिक से लगा रही हूँ इसके ऊपर, क्योंकि रफली ही लगाना था। ये टेक्सचर पेस्ट भी काफ़ी रफ़ था, तो बहुत, और पहली बार ही यूज़ कर रही हूँ मैं इसे भी, पहली नहीं दूसरी बार यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने बॉटल पे ट्राई किया था। तो तब तक उसे हम सूखने देते हैं और तब तक हम अपना दूसरा कैनवस रेडी कर लेते हैं। ये मैंने दूसरे पेंटिंग के लिए सेम प्रोसेस से दूसरा कैनवस रेडी कर लिया है। बस आप चाहे तो इसे फाड़ के भी टिश्यू पेस्ट कर सकते हैं। एंड अब ये सूख चुका है, तो सारी चीज़ें जो भी अंदर हमने ये पेस्ट किया था, चाहे वो स्कल्पचर पेस्ट हो, चाहे वो रोप हो, और ये सारी चीज़ों को अच्छे से सूखने के बाद उसके ऊपर एक और टिश्यू का लेयर देंगे। ये टोटली हमारे ऊपर है कि हमें कैसे करना है, आपको फाड़ के करना है या कट करके। तो फाड़ के सही रहती है चीज़ें, प्रॉपर लाइन नहीं दिखती उसमें। एंड उसके बाद ले लिया मैंने ये एक्रेलिक कलर,
एंड इसे मिक्स मैच करना आपके ऊपर है, कलर को कैसे मिक्स एंड मैच करना चाहते हैं। तो मेरा मैं कभी भी किसी भी सरफेस पे कलर यूज़ करूँ तो एक बारी में कभी भी मेरा एक्चुअल कलर नहीं आता जो मुझे चाहिए होता है। तो मैं 2-3 बार ऐसे कलर बना बना के उसके ऊपर ट्राई करती हूँ, तब जाके मैं सेटिस्फाइड होती हूँ कि ये सही एक्चुअल कलर आया है। तो अभी ये काफ़ी हद तक बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। बीच में जो वो ग्रीन कलर दिया मैंने वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड उसके ऊपर मैं ये मेटैलिक कलर यूज़ कर रही हूँ, ये पर्ल कलर है, सॉरी, तो ये पर्ल कलर इसके ऊपर लगा दिया है मैंने। डार्क ब्लू कलर लिया था पर्ल कलर का एंड सेम ग्रीन कलर भी पर्ल कलर में, एंड कहीं कहीं पर मैं ब्लैक से हाईलाइट कर रही हूँ ताकि बिल्कुल जो वो डार्क ग्रीन ब्लैकिश वाला जो कलर आता है ना, लाइक पानी जमते जमते जो चीज़ें बन जाती है, उस तरीके का कुछ बनाना चाह रही हूँ मैं। और जो वो टेक्सचर पेस्ट था उसके ऊपर भी मैं ये पर्ल कलर, वाइट पर्ल कलर लगा रही हूँ। तो ये हमारा पेंटिंग बनके रेडी है। अब आप लोग बताना ये उस हद तक बन पाया है या नहीं। कलर तो काफ़ी अच्छा आया था, बहुत अच्छा लग रहा था, मैं कलर से बहुत खुश थी। मिक्स एंड मैच करते करते अच्छा सा कलर आ ही जाता है। एंड उसके बाद अगेन मैं ये 2-3 कलर ले रही हूँ और इस वाले कैनवस को भी मैं रेडी करूँगी सिमिलर कलर से ही, उसमें जो बेस कलर दिया है उससे ही मिलता जुलता कलर इसको भी बनाऊँगी, क्योंकि दोनों पेंटिंग को मुझे साथ में हैंग करना है। तो ये थोड़ा ग्रीन येलो इस तरीके से मिक्स करके थोड़ा डल सा कलर बना के सेंटर में दिया है। एंड अभी आप देखते जाओ इसके ऊपर फिर और अभी 2-3 कोट कलर का लगने वाला, क्योंकि एक बार में कभी भी एक्चुअल कलर मेरे से नहीं आता। एंड इसके ऊपर भी फिर मैं वो पर्ल कलर अप्लाई करूँगी। तो जब इसके ऊपर पर्ल कलर अप्लाई होगा तो ये बहुत ही अच्छा वाला कलर आएगा। पहले मैं पर्ल कलर ना अवॉइड करती थी, मैं बहुत कम यूज़ करती थी अपने प्रोजेक्ट में, मुझे पसंद नहीं था शाइनी। लेकिन जब मैं इस तरीके का ये कैनवस वगैरह बना के इसके ऊपर ट्राई करती हूँ, फिर मैंने बॉटल आर्ट पे ट्राई किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे लग रहा है कि पहले क्यों नहीं यूज़ करती थी मैं। और फिर से मैंने ये टेक्सचर पेस्ट ले लिया है, इसके ऊपर पेंसिल से मैंने हल्का सा मार्क कर दिया था कि मुझे कहाँ पर फ्लावर चाहिए, तो वो बहुत हल्का सा, वो इसमें दिख नहीं रहा है, बट मुझे आइडिया हो गया है कि कहाँ पर मुझे ये पेस्ट लगाना है, तो वो मैंने पहले पेंसिल से मार्क कर लिया है। तो आपको जो भी डिज़ाइन चाहिए इसके ऊपर हल्का सा पेंसिल से मार्क कर सकते हैं ताकि आइडिया हो जाए कि हमें कहाँ पर एक्चुअली बनाना है। और इसके ऊपर ब्रश के टिप से मैंने एंड से तरीके से सर्कल सा बना दिया कि ये फ्लावर का लुक दे, जैसे रोज होते हैं वैसा सा लुक दे। तो ये इस तरीके से आ गया है। थोड़ा सा पेस्ट को लगाने में प्रॉब्लम हो रही थी सर्कल पे, तो हम थोड़ा थिक सा ऐसा लेके उसके ऊपर रख दिया और उसको स्प्रेड कर दिया, तो वो तो आसान था। बट जो ये देख रहे हैं ब्रश से लेके मैं ये छोटे छोटे से कली जो मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये ना खुरदरा सा पेस्ट है, स्मूथ पेस्ट नहीं है, तो मुझे लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। एंड इसके सूखने के बाद हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कलर, तो उसके लिए अगेन मैं ले रही हूँ पर्ल कलर। इसमें मैंने पिंक में मजेंटा पिंक में मैंने ब्लैक कलर मिक्स किया है, थोड़ा ये डार्क सा कलर बन के आया है। तो अभी भी देखना मैं इसके ऊपर कितना लेयर अप्लाई करूँगी, उसके बाद जाके ये एकदम फाइन सा क्लियर दिखेगा। अभी ये फ्लावर आप देख रहे हैं कि क्लियर नहीं दिख रहा डिज़ाइन। तो वो एक कलर अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर मैंने मजेंटा का दूसरा कोट अप्लाई किया हल्का हल्का सा साइड पे, और जो भी ये सर्कल सा मैंने बनाया हुआ था उसको मैंने वाइट से हाईलाइट किया है अंदर, ताकि वो क्लियर डिज़ाइन दिख सके कि फ्लावर है। एंड जो भी इसके ये ब्रांचेस बोलेंगे या जो भी
फ्लावर की ये टहनियाँ हैं, इसको मैंने पहले ब्लैक अप्लाई किया है इसके ऊपर कलर, एंड उसके ऊपर जो ये छोटी छोटी सी कली है इसको ग्रीन एंड ब्लैक से किया है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब फ्लावर निकलने वाला होता है जो कली होती है वो ग्रीन लीव से ऐसे बंद होके और ऊपर में ऐसे फ्लावर सा निकला होता है, तो वो दिखाने की कोशिश कर रही थी मैं। एंड ब्लैक के ऊपर मैंने थोड़ा सा ग्रीन से उसे हाईलाइट कर दिया है इसकी टहनियों को। और ये रहा फाइनल लुक दोनों पेंटिंग का। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय।